नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में, अगर आपने इसका 100 शेयर बाय किया रहा था तो 100 शेयर बाय करने में आपका जो 9,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता और उस पर जो आप रिटर्न प्राप्त करते लगभग 15 करोड़ रुपए का रिटर्न प्राप्त करते मात्र 9,500 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे, साथ ही साथ अब लगभग 2 करोड़ रुपीज का डिविडेंड भी प्राप्त करते। तो ऐसे जो मैजिकल शेयर है, कैसे हम पता करें स्टॉक मार्केट में, तो जब तक हम उसका एनालिसिस ना करेंगे तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप देखिए ये मैजिकल रिटर्न देता है। तो बस इसी को फॉलो करना है आपको अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस रिटर्न को, इस तरह के मैजिकल रिटर्न को, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन सा ऐसा शेयर है जो इस तरह का मैजिकल रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस मैजिकल रिटर्न में सबसे पहले हेल्प कौन करता है, वो है ग्रोथ। देखिए, वो जिस कंपनी में ग्रोथ हो वही आपको इस तरह के मैजिकल रिटर्न दे सकता है, और उस मैजिकल रिटर्न को और ज़्यादा मैजिकफुल बनाता है, मतलब उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है कौन, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। देखिए, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इन्वेस्टर को। आपको हम कई सारे वीडियो में बताते रहते हैं कि ये शेयर अभी बोनस देने जा रहा है, उसका पर्पस होता है कि उस शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उसके बाद उसके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी चीप हो जाएगा, मतलब छोटा प्राइस हो जाएगा, जिसपे और ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड हो पाएंगे। देखिए, ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि जो छोटे प्राइस के शेयर होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो छोटे प्राइस वाला शेयर है देखिएगा, वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, 100% 200% आसानी से चला जाता है जब उसमें तेजी आता है। तो इसीलिए बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट लाया जाता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर के रीच में आ जाए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल हो जाए, ताकि वो भी उस शेयर को बाय कर सकें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो देखिए, ये सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट आपका होता 100 शेयर का 9,500 रुपीज का, वो 93 में होता 100 शेयर, इस समय इसका ये IPO प्राइस था। तो अगर IPO में आप नहीं ले सकते तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ जो स्टॉक था काफ़ी महंगा मिलता, तो वहाँ से आपका रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर IPO उस समय आसानी से मिल जाता है, ये एक बेहतरीन बात है कि उस समय इन्वेस्टर है इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उस समय IPO आसानी से मिल जाता जो भी अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर देखिए, IPO 95 रुपीज़ का था और 93 में 95 रुपीज़ का IPO, तो 100 शेयर आपने इन्वेस्ट किया, 100 शेयर आपने बाय कर लिया, तो 100 शेयर बाय कर लिए। तो देखिए, अब यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन जो आता है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट, कैसे नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करता है। तो ये बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट आता क्यों है, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ देखने मिलता है, ग्रोथ के कारण स्टॉक काफ़ी महंगा हो जाता है, तो वहाँ बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट लाया जाता है कंपनी के द्वारा। या दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर वो अपने रिजर्व को अपने ग्रोथ में यूज करना चाहता है, रिजर्व कैश को, तो उसके कारण बोनस देता है। तो दोनों कारण होता है, ग्रोथ के लिए ही बोनस शेयर लाता है क्योंकि वो रिजर्व को यूज करना चाहता है। तो ये सारा चीज़ ग्रोथ पर ही डिपेंड है ये सारा रिटर्न। देखिए, 94 में लाता है 1:1 का बोनस, तो 1:1 मतलब एक शेयर पे एक शेयर फ्री, तो आपके पास 100 शेयर है तो 200 हो गया। फिर कंपनी 1:1 का बोनस शेयर 97 में, तो 200 शेयर हो गया 400 शेयर। 99 में बोनस शेयर, तो ये हमारा 400 शेयर 800 शेयर, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल रूप से चला आ रहा है। फिर फेस वैल्यू को ब्रेक किया जाता है 10 रुपये से 5 में, तो फेस वैल्यू को आधा किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका दोगुना हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ 800 से कितना हो गया 1600। फिर यहाँ पर देखिए, फेस वैल्यू का 5 हो गया, 2004 में फिर से 3:1 का बोनस, मतलब आपके पास यहाँ पर एक शेयर है तो 3 शेयर उस पर फ्री मिलेगा, यहाँ तो आपके पास 1600 शेयर है, 4800 शेयर फ्री मिलेंगे, तो कुल हो गया 6400 शेयर, मतलब 6400 शेयर। आप 2006 में फिर से बोनस शेयर 1:1 का, तो यहाँ पर फिर से आपको इतना शेयर फ्री मिलेंगे, तो हो जाएगा 12800 शेयर। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, 2014 में 1:1 का बोनस, तो यहाँ पर फिर से एक शेयर पर एक शेयर फ्री, तो हो जाएगा 25,600 शेयर। फिर 2015 में 1:1 का बोनस, तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 51,200 शेयर। 2018 में फिर से कंपनी बोनस शेयर देती है 1:1 का, तो यहाँ पर टोटल शेयर आपका हो गया 1,02,400 शेयर। तो इस तरह से कुल शेयर आपने देखा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1,02,400 शेयर। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपका 1,00,000 हो गया, जो कि आपने सिर्फ 100 शेयर आपने बाय किया था। अब देखिए, इस यहाँ पर मैजिक कैसे काम करता है, तो यहाँ पर देखिए, आपने लगाया था 9,593 में, अब ये शेयर जो हो गया 1,02,400
1400 हो गया, और इस शेयर का भी प्राइस कितना है 1400, और ये शेयर कौन है, इन्फोसिस। यहाँ से काफ़ी ऊपर भी गया था, अब वहाँ ऊपर पे कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम यहीं पर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं जो करेंट प्राइस है 1400। तो यहाँ पर देखिए 1400 मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 1,02,400, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 14,33,60,000। तो कुल इतना आपका रिटर्न हो गया लॉन्ग टर्म में। तो ये रिटर्न आपको कब प्राप्त होगा, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपको मिलेगा कि 14.33 करोड़ का रिटर्न हो गया आपके इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, मात्र 9,500, और ये शेयर कौन सा है, इन्फोसिस लिमिटेड। ये हमारे आईटी सेक्टर की जो बेहतरीन कंपनियां हैं इन्फोसिस वो शेयर है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारी बेहतरीन कंपनियां हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यू ऑल्सो गेट डिविडेंड, आप जो डिविडेंड भी प्राप्त करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टोटल आपका डिविडेंड मिलेगा 2% का इसका डिविडेंड यील्ड है, तो 2% के डिविडेंड यील्ड से आपका जो करेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उस पर मिलता है, मतलब डिविडेंड यील्ड के अनुसार जो डिविडेंड आपको मिलेगा इस अमाउंट पे मिलेगा, जो करेंट प्राइस होता है उसके उस पर मिलता है डिविडेंड यील्ड के अनुसार डिविडेंड। तो 2% का डिविडेंड यील्ड है तो इसका 2% आप निकाल दीजिए, तो देखिए 28,00,000 आपका डिविडेंड हो गया, तो 28,00,000 पर ईयर आपको डिविडेंड मिलेगा। इस तरह से अगर आप ओवरऑल एवरेज रूप से निकालेंगे कैलकुलेट करके तो कि आपका 1993 मतलब 93 से अभी तक में लगभग 2 करोड़ रुपीज का डिविडेंड आप प्राप्त कर सकते थे, आसानी से आपको इतना डिविडेंड के रूप में आपको मिल जाता। तो ये था इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, जो कि काफी सॉलिड रिटर्न प्राप्त हुआ किसमें, इन्फोसिस लिमिटेड में। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे 9,500 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास नहीं था, तो 95 रुपीज भी आप लगा सकते थे। देखिए 95 रुपीज लगाते तो आप क्या होता, देखिए 95 रुपीज लगाते तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट कर लिए। आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर थे निश्चित रूप से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने सीख लिए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका टोटल जो शेयर, एक शेयर बाय करके रख देते वो शेयर आपका होता 1024 से। अब एक शेयर हो गया आपका 1024 से, अब इसके रिटर्न देखिए कैलकुलेट करते हैं कि आपका 95 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कितना होता। देखिए यहाँ पर 93 में अगर आप 95 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आप देखिए कितना रिटर्न होता है यहाँ पर। तो 1024 शेयर आपके हो चुके हैं एक शेयर, आप इसको करेंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हो गया 14,33,600 रुपीज आपका रिटर्न। सिर्फ रिटर्न ही नहीं, अब यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। आपके पास 100 शेयर है तो जनरली ये यहाँ पर अभी आप जो डिविडेंड एवरेज रूप से पिछले 4-5 सालों से प्राप्त करते हैं वो लगभग 28,000 रुपये का, 28,000 रुपीज का लगभग डिविडेंड आप प्राप्त करते हैं 2% डिविडेंड यील्ड के, जो अभी करेंट रूप में इन्फोसिस का है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है लगभग 2,00,000 रुपीज का डिविडेंड अभी तक में प्राप्त कर लिए रहते। तो दोस्तों 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में बने रहते हैं तो आपको वो शेयर जो है एक ज़बरदस्त रिटर्न, एक मैजिकल रिटर्न क्रिएट करके देता है। तो ये मैजिकल रिटर्न जो है तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों के साथ आप बनाए रखते हैं, जैसे तैसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी रन कर रहा है। जैसे में आप जो देखेंगे जो फंडामेंटली वीक कंपनियां वो भी काफ़ी ज़्यादा रन कर रही है, तो उस स्टॉक में आप ना फंसें, आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, जिसमें आप आसानी से इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।